हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर डी राज राव और मेरे साथ दयाल सर और हमारा डी और एफ ब्लॉक का लास्ट जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज गुरुनीति का लास्ट एपिसोड हो रहा है हमारा। हालांकि वैसे ऑलमोस्ट इसको ऑर्गेनिक के साथ रखते हैं लेकिन हमने ले लिया है इसको डी एफ के साथ फोटोकेमिकल स्मोक हो गए, क्लासिकल स्मोक हो गए या फिर स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इसके अलावा खैर वही बात अपन यहाँ करने वाले हैं। सबसे पहले अपन डी क्लोज डी ब्लॉग और ए ब्लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद में एनवायरमेंटल के इसमें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए सर, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन ए फेरस इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ, तो आप ये देखो फेरस है Fe प्लस टू, इसका आयरन का होता है 3d6 4s2, एस वाले निकाल दिया तो एस के दो निकाल दिए, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 3d6 आ गए, तो ये हो गया डी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो डी इलेक्ट्रॉन हो गए वो जैसे एन माइनस वन हो गया डी इलेक्ट्रॉन सिक्स हो गए, कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो किसके पास 6 नहीं है ये देखना है, तो सबसे पहले पी इलेक्ट्रॉन ऑफ नियोन, तो अपने को ज्यादा कुछ नहीं करना, नियोन का कॉन्फिगरेशन देना है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p नियोन तक ही लेना अपने को 10 तक। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मार्गन तक पहुंच गया तो ये हो गया नियोन। तो नियोन तक देखो पी इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो पी इलेक्ट्रॉन नियोन में कितने 6 है, मतलब ये तो सही है, सही इक्वल है। फिर मैग्नीशियम के ऐसे इलेक्ट्रॉन तो इसी को आगे बढ़ा देते हैं 3p6 2p6 और 3s2, ये मैग्नीशियम हो गया। अब मैग्नीशियम के पूछा है ऐसे इलेक्ट्रॉन तो दो तो ये हो गए, दो ये हो गए और दो के टोटल हो गए 6, मतलब ये भी इक्वल है। अब बात करते हैं आयरन की, तो Fe प्लस टू का लिखा है अपन ने, अगर मैं इसी को Fe का बनाना चाहूं तो कोई फर्क नहीं है सर, ये दो आगे तो D में तो वही 6 रहेंगे ना, तो ये बात भी मेरी सही है। अब मैं बात कर रहा हूँ क्लोराइड आयन, तो क्लोरीन नहीं है ये आपका यहाँ पे क्लोराइड आयन है, तो 17 की जगह अब इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं 18, तो ये हो जाएगा 3p6 और p इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है सर, तो देखो 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये वाले इक्वल है नहीं है, तो आंसर मतलब सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस क्वेश्चन है। बिल्कुल सर, बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए और फिर आपको डी में इलेक्ट्रॉन इसके बराबर है सबका। बिल्कुल, कई बार ये पूछ लेता है नॉट इक्वल और कई बार ये पूछ लेता है इक्वल, डी के इक्वल, राइट। तो पहले क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट चले सर। नेक्स्ट, बिल्कुल सर देखिए, निम्न में कौन सा आयन विलयन में रंगीन होता है, तो अपन सर एक नॉर्मल सी चीज कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड है ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन, और अगर यही एफ ब्लॉक के लिए बात करें तो एफ एफ ट्रांजिशन की अपन बात करेंगे। कई बार क्या होता है कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जिनमें अनफेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उसके बाद में भी वो कलर्ड होते हैं, तो वहां रीजन आ जाता है अपना चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। लेकिन खैर अपन यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे इसका हो गया कॉन्फिगरेशन ऑर्गन 3d10 4s0, इसका मतलब अनफेड इलेक्ट्रॉन हो गए जी, तो ये कलरलेस हो गया। बिल्कुल सर, ये कलरलेस हो गया। इसका इंडियम के बाद में आता है जस्ट टाइटेनियम, तो इसका होता है ऑर्गन है फिर 3d2 और 4s2 होता है इसके इंडियम टाइटेनियम, लेकिन 4t प्लस 4 में जा रहा है तो ये दोनों निकल गए, ये भी कलर, तो आर्गन बन गया तो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जीरो हो गया। इसके इंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, तो वेनेडियम का एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d3 4s2, अब अपने को दो ही निकालने हैं, दो निकाल लिए तो वेनेडियम प्लस 3, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए 3, तो ये अपना कलर्ड हो जाएगा। वैसे इसका निकाल के देख लें तो इसका हो जाएगा आर्गन 3d10 और 4 में जो एक था वो इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो यहाँ पे भी सारे इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ये देखो जैसे सर ने बोला कि रंगीन देखना है तो एक तो अपने को अनपेड इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। हाँ। देखो एक तो क्या होता है कि कलर का रीजन होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन की परचेस, और एक होता है एमओटी से भी देखते हैं। हाँ बिल्कुल, तो एक एमओटी में जैसे ऑक्सीजन है, अब उसके पास क्या है आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो कलरलेस होती है ऑक्सीजन, इसका मतलब है जैसे हेलोजन है, अब उनके पास क्या अनपेड नहीं है फिर भी वो कलर्ड है। हाँ।
तो मतलब MOT उनके कलर को एक्सप्लेन कर देगी। और दूसरा एक आपका डीडी ट्रांजिशन हो गया, एक चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हो गया, बिल्कुल जैसे K-MNO4 है, K2CR2-7 बिल्कुल सर। इसके अलावा जैसे मान लो कि अपन बात करें हेलाइडों की, जैसे डी ब्लॉक के हेलाइड ले लें, चाहे वो मर्करी के ले लें चाहे सिल्वर के ले लें, तो वो डायमैग्नेटिक है हमेशा, क्योंकि एजी प्लस में बनाएगा उधर मर्क्यूरी पोलराइजेशन से भी कलर आ जाएगा, तो वहाँ पोलराइजेशन से आ जाएगा, पोलराइजेशन तो डी ब्लॉक का हेलाइडो में कलर जब पूछ लेता है जब एजी वगैरह या फिर मर्क्यूरी वगैरह का, तो वो पोलराइजेशन से देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो कलर के चार पांच रीजन होंगे। हाँ तो यहाँ पर अपना डीडी वाला है, बिल्कुल सर राइट। बस ये ध्यान रखना है विदाउट लिगेंड के डीडी ट्रांजिशन भी नहीं होता, उसकी भी कंडीशंस है। हाँ ये अपन कोऑर्डिनेशन में इनसे बात की थी। फिर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, तो आयनाइजेशन एनर्जी में आपको ध्यान रखना है, आपने वैसे सबने पढ़ा रखी होगी ट्रिक, नॉर्मली फर्स्ट ग्रुप में तो आयनाइजेशन एनर्जी जो 13 ग्रुप है एक्चुअली डी ब्लॉक का फर्स्ट हो गया, वैसे थर्ड ग्रुप हो गया सर, 13 क्या थर्ड ग्रुप, उसमें आयनाइजेशन एनर्जी नीचे जाने पर डिक्रीज ही होता है, लेकिन बाकी जैसे सेकंड थर्ड फोर्थ या फिर 11th में हो गया तो ये अलग अलग है। जैसे अब ये अपना हो गया कौन सा 11th ग्रुप है, तो इसके लिए याद रखना है कि सबसे कम तो रहेगी 4D में, 4D उससे ज्यादा रहेगी 3D में, और सबसे ज्यादा रहेगी 5D में। तो 4D का तो कौन आ गया सर अपने AG साहब, ये आ गया कॉपर और ये आ गया Au, तो अपना ऐसा आंसर हो जाएगा। 5D की ज्यादा होने का कारण है कि कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन आ जाता, तो अपना थर्ड आंसर हो जाएगा। एक्सेलेरेशन नेक्स्ट, काफी शानदार, कॉपर से नाइट्रेट को अपन हीट कर रहे हैं, बिल्कुल सर, तो अपने को फाइनली पूछ रहा है, तो फाइनली तो सर ऑक्साइड मिले, बिल्कुल। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, इनके नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे तो नाइट्रेट अगर इनका है तो वो नाइट्राइट में बदल जाएगा और सिर्फ ऑक्सीजन, कलरलेस ऑक्सीजन निकलेगी। अदर जितने भी हैं जैसे कि मान लो कि लिथियम आ गया या सेकेंडे आ गया, डी ब्लॉक आ गया पूरा, पी ब्लॉक आ गया, ए ब्लॉक आ गया, अगर आप इनको हीट देते हो तो ये सीधे ऑक्साइड में जाएंगे, रेडिश ब्राउन कलर की गैस NO2 निकालेंगे और आपका साथ में O2 भी निकालेंगे, कलरलेस गैस भी निकालेंगे, तो ये कलर्ड रेडिश ब्राउन, या इसको कई जगह येलोविश ब्राउन भी इसको ब्राउन गैस होती है, NO2 ब्राउन गैस है। तो अपन इसको एनवायरमेंटल में देखेंगे, ये जो NO2 होता है अपना जैसे ट्रैफिक जैम होता है, N2 वैसे तो डायरेक्ट रिएक्शन करता नहीं है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ये टूटेगा नहीं, O2 के बीच भी डबल बॉन्ड होता है, तो आपस में ऐसे जनरली ये रिएक्शन नहीं करते, लेकिन हाई टेंपरेचर पर ये अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर रिएक्टिव होती है, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, तो जैसे ट्रैफिक जैम लग गया तो वहां जो गाड़ियों के स्पार्क प्लग होते हैं तो उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो वहां N2 और O2 रिएक्शन करके NO2 बना लेती है, तो ट्रैफिक नहीं होगा तो वो कम गाड़ियां हैं तो कम NO2 बन रहा होगा, लेकिन ट्रैफिक जैम में ज्यादा गाड़ियां हैं तो खूब NO2 बनने वाला है। इस वजह से कई बार ट्रैफिक जैम में येलो हैज देखने को मिलता है, उसका रीजन अपना ये NO2 ही होता है, राइट। बिल्कुल, साथ एनवायरमेंटल कर रहे हैं तो इसकी भी बात अपन कर लेते हैं, तो अपना ये क्या हो गया सेकंड आंसर, आगे चले सर, बहुत ज्यादा हीट करने पर कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, बिल्कुल। NgCl2KH से ले लिया आपने, तो इसमें क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा एक, बिल्कुल सर, नेसलर रिएजेंट की अपन यहां बात कर लेते हैं, फॉर K2HgI4 का कॉम्प्लेक्स बनेगा, बिल्कुल सर, ये थर्ड आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेशन भी इनसे बात कर चुके हैं, नेक्स्ट ले, नेक्स्ट ये भी है कि डेटाबेस क्वेश्चन है, बस याद रखना है इनको, इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे अपन बात करें ग्रीन विट्रोल, तो ये होता है फेरस सल्फेट .7H2O, तो जिसमें 6 वाटर के मॉलिक्यूल तो एज ए लिगेंड होंगे और 1 वाटर का मॉलिक्यूल इंटरस्टेशियल स्पेयर में होगा, तो अपना ये तो हो गया मैच आर से, ये तो आर से। फिर ब्लू विट्रोल है, तो सबको पता ही है, तो सर कॉपर सल्फेट .5H2O, इसमें भी 4 वाटर के मॉलिक्यूल तो कॉपर +2 के साथ एज ए लिगेंड रहेंगे, एक इंटरस्टेशियल स्पेयर में जाएगा, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ काफी फेमस इसलिए है क्योंकि जब अमोनिया मिलाई जाती है तो ये स्काई ब्लू कलर का तुरंत डीप ब्लू कलर में चला जाता है, काफी शानदार क्वेश्चन बनता है यहाँ से कोऑर्डिनेशन में, एप्लीकेशन में आता है, बिल्कुल सर, तो ये मैच हो जाएगा अपना एस से, नीला तोता, हाँ बिल्कुल सर, पेट्रोल व्हाइट पेट्रोल अपना हो गया जिंक सल्फेट और इसके साथ भी 7H2O, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जिंक +2 में होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 4 ही होनी है, तो ऐसी कंडीशन में 3 तो 4 तो इसके वाटर के मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, एज ए लिगेंड है,
और फिर वो इंटरस्टिशियल स्फीयर में रिमेन व्हाइट, ये तो जो व्हाइट विट्रोल है सफेद रंग का होता है, काफी आजकल सॉल्ट है बड़ा काम में आ रहा है, बिल्कुल सर, कोरोना में लोग खा रहे हैं इसको, हाँ जिंक का आयन इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, हाँ इम्यूनिटी बूस्ट अप कर, जिंक का काफी मेडिसिन में भी ऐड हो रहा है सॉल्ट, बिल्कुल। और नेशनल रिएजेंट अभी थोड़ी देर पहले अपन पढ़ चुके हैं, J2SG अमोनिया के अंदर जो सॉल्यूशन बनता है, बिल्कुल अमोनिया टेस्ट के लिए इसमें अमोनियम अमोनियम का टेस्ट, अमोनियम आयन का टेस्ट करते हैं तो वहां पे वो ब्राउन कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये अपना बेस, जी बिल्कुल बिल्कुल सर, इनसे ये बात कर चुके हैं हम बटरफ्लाई, आप सीधे सीधे ऑक्सीडेशन स्टेज निकाल लिया करो, तो ऑक्सीडेशन इसे क्रोमियम मैक्सिमम 6 देता है, लेकिन इसकी तो 10,000 है, इसका मतलब यहां प्रोक्सी लिंकेज है और काफी फेमस क्यों सुनाई है, बटरफ्लाई लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो इसकी वजह से प्लस वन आ गया, 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 इसकी वजह से प्लस टू आ गया, तो टोटल ये हो गया प्लस 6 में, तो क्रोमियम यहां प्लस 6 में रहेगा। और ये सर ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का सॉलिड, और रीजन रहता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन तो यहां आप हमेशा ध्यान रखो, अपन सिंपल सी बात कर लेते हैं, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एनपी में जाता है तो वो हमेशा ही पी ब्लॉक का है, कुछ सोचना ही नहीं है, लेकिन अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एनएस में जाता है तो वो एस ब्लॉक, तो वो एस का हो सकता है, वो डी का हो सकता है, वो एफ का हो सकता है, तीन कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि जो एनएस होता है वो एक्चुअली कम एनर्जी की वजह से पहले ही भरा जाता है, तो ऐसे में वो डी का भी बन जाता है कई बार, एफ का भी, अब उसको देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन से, तो अपन इसको यूं बोल सकते हैं, अगर कॉन्फ़िगरेशन एन माइनस टू एफ वन टू 14 है, एन माइनस वन है, डी 0 टू 1 है, और एन एस आपका 2 है, तो अपने को दिख रहा है एनएस में है लास्ट इलेक्ट्रॉन तो, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आता है तो वो हमेशा ए ब्लॉक का है, और अपना इसका आंसर हो गया फर्स्ट ही हो गया, फर्स्ट बिल्कुल, ये जीरो कभी नहीं लिखना है इसमें, वन से अपन स्टार्ट करेंगे, ए ब्लॉक का तो बी माना जाएगा। फिर दूसरी चीज एक और ध्यान दो, वो क्या, इसको यूं याद रख लो, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एनएस में जाता है ठीक है, तो वो ए ब्लॉक का तब बनेगा जब डी में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन हो, एन माइनस टू एफ प्रेजेंट हो, एन माइनस टू एफ प्रेजेंट हो और डी में 0 से 1 इलेक्ट्रॉनों से, ध्यान से सुनना मैंने कह दिया, अगर एन माइनस टू एफ प्रेजेंट है तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, बस देखो डी में 1 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तो एन माइनस वन डी में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हमेशा ही एफ ब्लॉक होगा। नेक्स्ट अगर मैं ये कहूं एन माइनस टू एफ 14 ये पूरा भर गया, एन माइनस वन डी में 2 से 10 होना चाहिए, 2 से 10, क्योंकि अगर 0 से 1 हुआ तो f का बन जाएगा, n माइनस टू f प्रेजेंट है, n माइनस वन डी में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा ही f का होगा, लेकिन अगर n माइनस टू f पूरा भरा हुआ है और d में 2 से 10 है, 1 से 0 होते तो फिर वही, तो 2 से 10 है तो वो d ब्लॉक होगा। कहना चाहते हैं सर कि इसमें तो भरा जा चुका है, हाँ, और इसमें रनिंग में है, हाँ, तो ये किसका हो गया, d ब्लॉक का हो गया, क्योंकि 2 से 10 जा चुके हैं। अगर ये अब्सेंट हो गया, n माइनस टू एफ अब्सेंट है, अब चाहे d में आप 1 से 10 कर दो, 1 से 10 कर दो, और s में भी 1 से 2 हो जाएंगे, या फिर कई जगह इसको 0 से 2 भी लिख देता है, क्योंकि एक पैलेडियम में आपका s में 0 भी आता है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो s में जाए तो जरूरी नहीं वो s ब्लॉक का, हाँ, कहने का मतलब वो f का भी हो सकता है, d का भी हो सकता है, और फिर आगे चले n माइनस टू एफ भी अब्सेंट हो गया, n माइनस वन डी भी एबसेंट होना जरूरी है, फिर s का होगा, फिर वो s का होगा, फिर कंफर्म, हाँ, मतलब कि इसके पास आकर के भी ये लास्ट में इसको मिलेगा, जी सर, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी आपको याद हो गया इस बारे, बिल्कुल सर, ये भी काफी अच्छा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एक देखो एक्टिनोइड में यूरेनियम और यूरेनियम के बाद
92 और 922 के बाद सारे के सारे रेडियोएक्टिव हाँ, तो उनको तो सोचने की जरूरत नहीं है। ट्रांसयूरेनिक जितना भी एलिमेंट है, यूरेनियम एंड ट्रांसयूरेनिक मतलब यूरेनियम से बाद के, वो सारे के सारे रेडियोएक्टिव है। इनसे पहले सिर्फ दो ही रेडियोएक्टिव है डी ब्लॉक वालों में और एम में। एक तो ऐसे तो रेडियम वो भी अपने आ जाते हैं, लेकिन अपन बात करें किसमें, नॉर्मली डी ब्लॉक में और ए ब्लॉक में। तो ए ब्लॉक में तो वो है पीएम प्रोमिथियम, बिल्कुल सर, जो 60 पर एक 43 पर आता है टीसी टेक्नीशियन। तो मैं सर इसको ऐसे याद रखता हूं कि टीसी जो मिलती है 43 में मिलती है और प्रिंसिपल मास्टर उसको काट करके देता है। तो 61 में बैठते हैं अपने पीएम साहब जो आपको टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट देंगे कितने में, 43 में। ये हाफ ह्यूमन मेड है, इसको ये भी कहा जाता है। और ये पीएम आपका आ चुका है पहला कंप्लीटली जो ह्यूमन मेड था वो, और रेडियोएक्टिव भी है, दो रेडियोएक्टिव है और मैन मेड एलिमेंट भी। हाँ, मैन मेड, मैन मेड रेडियोएक्टिव, बिल्कुल सर। तो दो आप याद रख लेना। तो बिल्कुल सर, यहाँ अपना आंसर हो गया 61। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट Mn plus 2 Cr plus 2 चुंबक की आघूर्ण पूछ रहा है। बिल्कुल सर, जब भी आपको मैग्नेटिक मोमेंट पूछता है तो समझ लो पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि डायमैग्नेटिक के लिए कभी भी मैग्नेटिक मोमेंट मेजर नहीं करते, वहां अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो होता है, तो वहां पे जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। हाँ, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अपना म्यू एन एन प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन में इसको मेजर किया जाता है। अब ये आप मेजर करने की जरूरत नहीं है आपको, आप तो ये याद रखो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो म्यू भी, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसके पास म्यू भी ज्यादा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलना गलत होता है, रिलेशन आप देख चुके हो। तो यहां से अपन देखें मैग्नीज प्लस 2, तो मैग्नीज प्लस 2 की अगर मैं बात करूं तो ये आ गया, तो इसका कॉन्फिगरेशन होता है आर्गन तो रहेगा ही रहेगा, तो 3d5 4s0, तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर मैं बात करता हूं वेनेडियम प्लस 2, तो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, तो इसका भरेंगे तो आर्गन तक तो सेम रहेगा, 3d3 रहेगा और 4s में 0, दोनों निकाल चुका है, तो यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे 3। फिर आ गया क्रोमियम प्लस 2, तो क्रोमियम प्लस 2 का आर्गन तक तो सेम रहेगा 3d4 4s0, 3d4 क्रोमियम प्लस 2 में है सर, प्लस 2 वो s में एक ही होता है, वो निकल गया, क्रोमियम निकल तो 5 होगा। हां, अगर क्रोमियम प्लस होता तो D5 होता, और अगर सिर्फ क्रोमियम होता तो 5 इसमें 1 इसमें 6 अनपेड होते। क्रोमियम जब न्यूट्रल फेज में होता है तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट रखता है, क्योंकि उसके पास 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। ये बात कर रहा हूं सिर्फ डी ब्लॉक वाले में, एफ आएंगे तो एफ तो साथ-साथ अनपेड रहते हैं, डी में 6 से ज्यादा इसी में होता है। हां, तो यहां पे देखिए इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए 4, तो ये सीक्वेंस तो गलत हो गया सर। सबसे ज्यादा तो 5 वाला होगा, फिर 4 वाला होगा, फिर 3 वाला होगा, तो अपना थर्ड आंसर आ गया। मतलब ये अनपेड के इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन है। हां, एक तो कॉन्फिगरेशन आना चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉन अनपेड देखना। हां, खास तौर से जब भी इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आए ना, तो आप यह मत देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया था मैं डी से निकालो, हमेशा इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से निकलता है, आउटर वो होती है जिसका एन बड़ा होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है सर। कौन सा कथन असत्य है? Which of the following statement is incorrect? Incorrect statement अपने को यहाँ से identify करना है। तो देखो, first अपन देखें, the compounds formed by the corresponding 3d transition metals in lower valence state are ionic, but those in higher valence state are covalent. देखो आप इस पे फेजांस लगा दो सीधा सा। अगर oxidation state बढ़ी, polarization power बढ़ी, तो covalent factor बढ़ेगा। हाँ। तो बिल्कुल डी ब्लॉक में ये याद रखो, जब भी डी ब्लॉक की मेटल्स अपने ऑक्साइड में मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेज में होती है तो वो आयनिक होंगी और बेसिक होंगी, जब वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेज में होती है कोवेलेंट होंगी और एसिडिक होंगी, और अगर इंटरमीडिएट होती है तो आपके एम्फोटेरिक होंगे। अब आपको हो गया कि लोअर किसको काउंट करें, हायर किसको और इंटरमीडिएट, तो +1 +2 +3 इसको लोअर मान लो, तो इनमें तो हमेशा बेसिक और आपके आयनिक होंगे, +5 +6 +7 इनके अंदर कोवेलेंट और आयनिक होंगे, और +4 में एम्फोटेरिक होंगे। एक एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान में रखना है, वो है क्रोमियम।
Cr2O3 इसमें क्रोमियम प्लस 3 में है, फिर भी ये एम्फोटेरिक है, ये एक एक्सेप्शन याद रखना है। इसके अलावा जो वेनेडियम होता है वो प्लस 5 के अंदर है, आपका दोनों पॉसिबिलिटी दे सकता है एसिडिक और बेसिक टाइप की। तो खैर अपने एम्फोटेरिक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले तो एसिडिक, हाँ लोअर वाले बेसिक, और बीच वाले जो बेसिक है वो आयनिक है और जो एसिडिक है वो कोवेलेंट है। और इसको आप यूं भी याद रख सकते हो, जितने भी एसिड होते हैं प्योर फॉर्म में गैसेस फॉर्म में हमेशा कोवेलेंट होते हैं, और जैसे ही वो एक्वस मीडियम में जाते हैं वो आपके आयनिक हो जाते हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये पहला दूसरा अपना ट्रू हो गया, आपने को इनकरेक्ट देखा। हाँ, पहला तो अपना हायर वैलेंस स्टेट कोवेलेंट। फिर 4D ये कह रहा है दैट 4D एंड 5D ट्रांजिशन मेटल फॉर्म लेस आयनिक कंपाउंड देन 3D। बिल्कुल 4D और 3D, तो अगर इसमें देखा जाए तो 4D और 3D में से देखें तो 4D से 3D से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी अपनी किसकी होती है? आगे पर बात करेंगे, 5D की ज्यादा होती है, 5D की ज्यादा होती है, फिर उसके बाद में अपनी होती है 4D, फिर लास्ट में 3D। एक मिनट, 3D और लास्ट में अपनी थी 4D, कुछ ऐसे थी, लेकिन ये सब सबसे कम नहीं होती, 4D सबसे कम। हाँ, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, आपको पता है आयनिक कंपाउंड बनते हैं लोअर स्टेज में, और लोअर स्टेज में इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेज कम हो, जहां पर मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जहां पर होल्डिंग ज्यादा होगी तो वो अपने को मिलेगी मेनली 3D में। तो 3D वाले तो मोस्ट आयनिक बनाते हैं, फिर 4D 5D तक आ जाते हैं वो आयनिक बनाने की कंपाउंड नेचर कम होती जाती है। तो यहाँ पे देखें लेस आयनिक कंपाउंड, बिल्कुल ये सही बात है सर, सही हो। फिर यहाँ कह रहे हैं द कंपाउंड फॉर्म बाय 3D ट्रांजिशन मेटल्स आर लेस, ये सर इससे जस्ट उल्टा बोल रहा है, पहले उल्टा बोल रहा है, ये सेकंड का जस्ट उल्टा बोल रहा है। जैसे अपन ने इसमें कहा कि ये ज्यादा आयनिक है 3D और ये कम है, ये बात सही थी, अब यहाँ उल्टा बोल गया, तो ये ही अपना इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर अपना ये हो जाएगा। फिर भी लास्ट देख लेते अपन, बिल्कुल सर ये 3D 4D और 5D इसमें कह रहे हैं कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और सेकंड, मतलब फर्स्ट और सेकंड में तो कौन आते हैं सर, अपनी एल्कलाई और एल्कलाई अर्थ मेटल, तो उनकी लार्ज साइज होती है, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ट्रांजिशन की ज्यादा होती है, एस ग्लोब वालों की कम होती है। जी सर ये भी अपना सही हो गया, तो अपना आंसर थर्ड। नेक्स्ट चले सर, Cr+3 Cr+2 दे रखा है, Mn+3 Mn2 दे रखा है, E0 के मान दे रखे हैं, यानी ये आपके पास है पोटेंशियल दे रखे हैं। जी सर, तो आप ये देखो ये जो वैल्यू आ रही है ना, जिनका पोटेंशियल अपन कहते हैं नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव आता है वो तो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बिल्कुल सर, और जिनका पॉजिटिव आता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्रोमियम, अब ये ध्यान रखना कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूसिंग होता है, बिल्कुल, और हायर में वो ऑक्सीडाइजिंग होता है। तो अब इसमें देखो Cr+2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, सही बोल रहा है, क्योंकि क्रोमियम दो ऑक्सीडेशन है, लोअर में वो क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और Mn+3 में देखो 3 और 2 2 है, तो हायर वाला +3 है, तो प्लस वाला क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये फर्स्ट करेक्ट है, बिल्कुल सर। ये इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के पास ले जाकर के भी आप देख सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपन ये बोलते हैं कि जिसकी SRP नेगेटिव होती है उसका रिडक्शन आसानी से होता है, जिसकी SRP नेगेटिव होती है उसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है, और जिसकी SRP पॉजिटिव होती है उसका रिडक्शन आसानी से हो जाता है। तो यहां पर अपन देखें Chromium+2 Chromium+3, अब मैं इसको ऐसे कर लेता हूं Chromium+2 से ये चला गया Chromium+3 में, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और ये भी उल्टा हो जाएगा, ये प्लस में आ गई 0.41, तो ये बिल्कुल सही है। यहां पे आप एक चीज सोच करके देखें कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में है, मतलब ये स्पॉन्टेनियस है, इसका ऑक्सीडेशन पॉजिटिव में आने का मतलब इसका स्पॉन्टेनियस कैसा है, देखो डेल्टा जी का नेगेटिव होना स्पॉन्टेनियस अलग बात है, लेकिन जब ई की बात की जाती है, ई जिसका पॉजिटिव होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, ई जिसका नेगेटिव होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ई पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी से उल्टा तो वो स्पॉन्टेनियस हो गया। तो यहां पे देखो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक ही एलिमेंट के लिए, एक ही आयन के लिए सेम होते हैं, बस साइन का फर्क होता है। तो ये माइनस में था, ये प्लस में हो गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन आसानी से होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन आसानी से होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वैसे दूसरे में यहां पे बात करें Mg+3 Mg+2 में जा रहा है, Mg+2 में जा रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, कहने का मतलब तो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में, इसका मतलब रिडक्शन आसानी से हो रहा है, रिडक्शन आसानी से हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आप ECS के बेस पे भी इसको कर सकते हो, बाकी जैसे सर ने बताया आप डीप लो के थ्योरी पर भी आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे चले जाओगे और सही आप इसको चलेंगे, बिल्कुल सर।
तो ये बात हो गई सर इसकी। नेक्स्ट में चले। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको फॉल्स स्टेटमेंट यहां पे देखना है। तो एक चीज याद रखो, डी ब्लॉक की जो मेटल्स होती हैं वो मैक्सिमम ऑक्सीडाइज या तो फ्लोरीन से होंगी या फिर ऑक्सीजन से होंगी। ये दोनों ही इनको मैक्सिमम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। अब इनमें से भी कंपैरिजन करने पे आए तो ऑक्सीजन बेटर है, क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, जिस वजह से कम नंबर में रह करके भी ज्यादा ऑक्सीडाइज कर पाएगा, ओवरक्राउडिंग ऑक्सीजन कम करेगा। हाँ, दूसरा इसमें पाई बॉन्ड होने से रेजोनेंट आ जाएगा, रेजोनेंस आने से एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है, पाई से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा बॉन्ड भी मिल जाए। हाँ, तो ये रीजन है जिसकी वजह से ऑक्सीजन ज्यादा बेटर माना जाता है। तो अपने एक सिंपल सी चीज देखते हैं, VX3 एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपका X यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होना चाहिए। ये काफी बेस्ट चीज है, आप इसको समझ लो यहाँ पे। लेकिन VF3 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि ये स्मॉल साइज का है फ्लोराइड, और यहां पर जो एनर्जी निकलने वाली है लेटेस्ट एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो इसको आगे और ऑक्सीडाइज कर देगी और ये वेरिडियम चला जाएगा प्लस फाइव में, उससे जो लेटेस्ट एनर्जी की वजह से। तो वेरिडियम प्लस फाइव में चला जाएगा, तो ये हमेशा VF5 है। अब VF5 है ना, ये हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, लेकिन VCl5 हो गए, VBr5 हो गए और VI5, ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, क्योंकि देखा जाए तो इनकी रीडिंग नेचर भी अच्छी खासी होती है, साइज भी इनकी ज्यादा बल्की है, बल्की साइज तो, बड़े साइज में। हाँ बिल्कुल, तो ये कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा रखेंगे, तो कोवेलेंट जो भी होते हैं उनके लिए अपन हाइड्रोलाइसिस की बात कर सकते हैं। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो 2HCl निकल जाएगा और ये बन जाएगा VOCl3, ऐसे ही VOBr3 और VOI3 बन जाएगा। तो इसमें बात करें ना, तो ये इसके पास एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई, क्यों, क्लोरीन 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 और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देगा ये। हालांकि यहाँ पे भी पार्शियल बैक बॉन्डिंग तो होगी क्लोरीन और वेनेडियम के बीच, तो ये एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसको मिलने वाली है। तो हमेशा ध्यान रखना, इनके तो पेंटाहेलाइड स्टेबल नहीं होते, इनका हाइड्रोलाइसिस होकर के ये VOX3 बना लेंगे, जबकि इसके VX3 में ये स्टेबल होते हैं क्लोरीन ब्रोमीन आईडी, लेकिन ये स्टेबल नहीं होता अपनी हाई लेटेस्ट एनर्जी की वजह से, ये V+5 में जाके VF5 बना लेगा, और VF5 वैसे ही हाई लेटेस्ट एनर्जी की वजह से काफी ज्यादा स्टेबल है, तो ये हाइड्रोलाइसिस नहीं करता है। आप VOF3 इसके साथ नहीं बना सकते, क्योंकि फ्लोरीन के पास देखा जाए तो वैकेंट है नहीं, वहां पर आप बैक बॉन्डिंग की कोई ज्यादा एक्सेप्टेशन नहीं कर सकते। और दूसरा, हाई लेटेस्ट एनर्जी से आयनिक करेक्टर ये ज्यादा रखता है, तो हाइड्रोलाइसिस की बात करना भी यहाँ गलत हो जाता है। अब अपने क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो देखो ये कह रहा है फ्लोरीन के साथ VF5 बना सकता है, बिल्कुल ये बात सर सही है, और अपने को यहाँ पे वो ही फॉल्स स्टेटमेंट है। VL5 बना सकता है लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता, ये हाइड्रोलाइसिस होके तुरंत मोसर है, उससे हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, एनवायरमेंट में मोसर तो है, तो अपना ये स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाएगा। फिर आगे देखें, वेनेडियम एग्जिबिट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्सीहैलाइड। हाँ बिल्कुल सर, अपन ने अभी बात की कि वेनेडियम क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के साथ तो ऑक्सी फोरम के अंदर मैक्सिमम में रहे, जबकि ये अकेला खुद ही अपनी हाई लेटेस्ट एनर्जी की वजह से एग्जिस्ट कर पाता है, तो ये अपना स्टेटमेंट ट्रू है। फिर VI5 बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि ये तुरंत VI3+I2 में कन्वर्ट जाएगा, क्योंकि आयोडाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है और V+5 एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग, इसमें फॉल्स हो चला, पहला फॉल्स हो गया। हाँ तो ये भी सही है, तो अपना ये सेकंड फॉल्स हो गया VCl5, पहला तो बन गया ना VF5, तो अपना सेकंड फॉल्स हो गया, तो आंसर सेकंड आ जाएगा, बाकी सारे ट्रू। नेक्स्ट चले, देखिए सर, जेली वेली में कौन सा संक्रमण आता है, वो प्रबल ऑक्सी कारक है। बिल्कुल सर, अभी अपन बात करी थी जैसे Mn+3 है, Cu+3 है, ये हायर ऑक्सीडेशन, और इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल भी निकालते हैं। बिल्कुल, आप इसको सीधे सीधे यूं भी देख सकते हैं, Cu+2, Cu+3, और आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और फिर उसके अंदर सिमेट्री अगर लगा करके देखते हैं तो Cu+2 आपको ज्यादा स्टेबल मिलेगा। आप यहाँ से स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल करके आप देख सकते हैं, एक्वस कंडीशन मानी जाएगी, तो एक्वस कंडीशन के हिसाब से लिगेंड इनको देख करके H2O जो वीक फील्ड लिगेंड होता है उसके अनुसार ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बनाओ, स्प्लिटिंग एनर्जी निकालो, तो पता चलेगा कि जो Cu+2 होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है।
तो ये इधर आने की कोशिश करेगा, इधर आने के लिए इसको खुद का रिडक्शन करवाना पड़ेगा, रिडक्शन करवाना पड़ेगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वैसे ही मैग्नीज प्लस टू, मैग्नीज प्लस टू में 3d5 होता है, तो t2g में 3 इलेक्ट्रॉन है, eg में 2 इलेक्ट्रॉन है, कहने का मतलब t2g भी हाफ फिल है, eg भी हाफ फिल है, और मैग्नीज प्लस 3 का मतलब है 3d4, इसका मतलब t2g तो हाफ फिल है लेकिन eg यहां पे हाफ फिल नहीं है, तो ऐसे में इसको इनकम्प्लीट हाफ फिल नहीं बोल सकते, या d4 देख लो आपका हाफ फिल नहीं है, तो ये कम स्टेबल है, तो ये इधर आने की कोशिश करेगा t2g की का। हाँ, तो ये इधर जैसे आएगा तो इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे एक गेन करना पड़ेगा, तो गेन करेगा तो खुद का रिडक्शन हो जाएगा, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दोनों ही होंगे जी सर, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जी। लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है, आयनिंग रेडियस में कमी होना? बिल्कुल, एब लोक में क्या होता है कि जो 4F है वो डिफ्यूज है, इस वजह से उसका सेलिंग इफेक्ट कम है। में अपन क्या करते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है एफ में, और एफ की होती पूर शील्डिंग, जेड इफेक्टिव जो होती कम होता है, क्योंकि शील्डिंग क्या है, इलेक्ट्रॉनों के बीच का रिपल्शन, एक अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कितना रिपल्शन लगाते हैं, अपन जनरली इसको हमेशा यूं देखने लगते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन है ये यहां रिपल्शन लगा रहा है, ये शील्डिंग है, भाई ये भी रिपल्शन लगा रहे हैं, सेम सेल वाले भी तो लगाते हैं ना, तो ये भी रिपल्शन लगता है, तो पोर शील्डिंग और जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। हाँ, तो इसमें क्या होगा सर, जैसे एक तो ये यहाँ पे मान लो 5 इलेक्ट्रॉन हो, एक इतना बड़ा सेल हो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन, तो वो 5 दूर रहेंगे तो उनका आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगा, एफ वाले में इलेक्ट्रॉन दूर दूर होगा, डिफ्यूजल पोर डिफ्यूज्ड है तो इलेक्ट्रॉन दूर रहेंगे, सेल्डिंग कम होगा, सेल्डिंग कम होते ही जेड इफेक्ट बढ़ जाता है, जेड इफेक्ट बढ़ते ही साइज को कम कर देता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो ये बार बार इलेक्ट्रॉन अंदर खींच लेगा, लेंथ ऑफ कंट्रैक्शन इसी को बोलते हैं, और ऐसे ही एक्टिनोइड कंट्रैक्शन वहां 5F ज्यादा डिफ्यूज, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि 4F सॉरी लेंथेनोइड कंट्रैक्शन और एक्टिनोइड कंट्रैक्शन में ज्यादा इफेक्टिव कौन है, ज्यादा कौन भी इफेक्टिव, तो एक्टिनोइड ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, क्यों 4F की बजाय 5F, नंबर ऑफ सेल बढ़ने का मतलब है साइज तो बढ़ी है, तो 4F से ज्यादा डिफ्यूज हो जाता है 5F, हां तो उसका और भी ज्यादा उसको एक्टिनोइड कंट्रैक्शन बोलते हैं, हां इसलिए वो ज्यादा हैवी होता है, यानी साइज या रेडियस में कमी जो होती है ना उसी को अपन कंट्रैक्शन बोलते हैं जी सी, बिल्कुल सर बिल्कुल, थर्ड में इसका थर्ड आंसर कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट चलें सर, एम्फोटेरिक जो नहीं है, कितना आसान है सर, ये सीधा सा, क्यों अपन ने अभी बता दिया कि क्रोमियम एक एक्सेप्शन है जो प्लस 3 में होकर के भी एम्फोटेरिक है, तो ये तो हो ही गया, बाकी सबको पता है जिंक और एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होते हैं, और ये लोअर में है, लोअर में है तो बेसिक है, लोअर में से आप ये याद रखो, जो मेटल एम्फोटेरिक है उनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, उनके हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, उनकी हाइड्रेटेड फॉर्म एम्फोटेरिक होती है, मतलब उनका सब कुछ एम्फोटेरिक होता है, सीधा मतलब एक कॉन्सेप्ट से सारी बात हो जी सर। नेक्स्ट ले, नेक्स्ट सीरियम प्लस ऑक्सीकरण अवस्था में प्रदर्शित कर सकता है, मतलब प्लस 4 ऑक्सीकरण प्रदर्शित क्यों करता है? बिल्कुल सर, सीरियम अपना 58 पे आ गया, 58 तो इसका कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 4 में जाते ही, पहले तो 4F1 होता है, 5D में इसका 1 होता है, 6S2 होता है, लेकिन जैसे ही अपन बात करें सीरियम प्लस 4, तो ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, तो ये वेकेंट हो गया, हमेशा ध्यान रखो वेकेंट का और हाफ फिल का और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, F7 F14 F0 ये तीन स्टेबल होते हैं, तो इसको अटेंड करने के लिए ही ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन निकालता है, F0 बनाना चाहता है, हाँ, और इसी वजह से ये, हालांकि इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन एक्वस कंडीशन में प्लस 3 ज्यादा स्टेबल होती है, तो ये इसमें आना चाहता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है, जैसे बड़ा वेल पॉपुलर क्वेश्चन होता है, हाँ, F लोक की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, और ऊपर से एक जगह इसका काफी ज्यादा यूज होता है, जिसको अपन कहते हैं ना सनग्लासेस में, ग्लासेस भी यूज, हाँ, अल्ट्रावायलेट रे से अपने को प्रोटेक्ट करता है, तो जो अच्छी क्वालिटी के जो गोगल्स आते हैं, सनग्लासेस आते हैं, जिनको अपन मेनली बोलते थे कि रेबन का है, फास्ट ट्रैक का है, तो उनमें सीरियम ऑक्साइड, हाँ, तो उनमें सीरियम ऑक्साइड की क्वांटिटी अच्छी खासी ऐड होती है, तो इसमें आंसर सर फोर्थ वन। नेक्स्ट निकल पिटी की 4 आयनन आपको दे रखी, आयनेशन एनर्जी दे रखी, फर्स्ट और सेकंड, बिल्कुल सर, थर्ड और फोर्थ, ये निकल के लिए I1 और I2 का टोटल है ये, और प्लेटिनम के लिए I1 और I2 का टोटल है ये, तो इन दोनों को देखने से पता चल रहा है यार सिंपल सा कि इनकी टोटल कम है, इनकी टोटल कम है, मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, मतलब ये जल्दी स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हैं,
फिर यहां पे बात करें प्लस थ्री प्लस फोर का, इसका अचानक से बढ़ गया जबकि इसका कम हो गया। इसका मतलब है यहां पर क्या हो रहा है, एक्चुअली इसको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, इसलिए इसके आयनाइजेशन एनर्जी कम है, क्योंकि जब भी स्टेबल कॉन्फिगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकलता है आयनाइजेशन एनर्जी अब नॉर्मली बढ़ती है, इसकी बढ़ी है। इसका मतलब स्टेबल से जा रहा है तीसरा इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है, तो स्टेबल से जा रहा है इसका मतलब निकल प्लस टू ज्यादा स्टेबल है निकल प्लस फोर से। इसी प्रकार इनमें बात करें प्लेटिनम प्लस टू से ज्यादा स्टेबल है प्लेटिनम फोर से, यह आयनाइजेशन एनर्जी के टोटल देख के ही बताया जाता है। और अगर इनकी आपस में कंपेरिजन करें निकल प्लस टू और प्लेटिनम प्लस टू, तो इसका टोटल कम है, इसका मतलब निकल प्लस टू ज्यादा स्टेबल है प्लेटिनम प्लस टू से। और अगर इनका कंपेरिजन करें तो इनका कम है तो प्लेटिनम प्लस फोर ज्यादा स्टेबल है प्लेटिनम, या फिर हाँ जिसके आयनाइजेशन एनर्जी कम है इसका मतलब वो आसानी से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी मिलने वाली है आगे, तो वो मोर स्टेबल माना जाएगा। इसी थ्योरम पर अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सर। तो पहले कह रहे निकल प्लस टू कंपाउंड आर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्लेटिन, बिल्कुल अपन ने अभी कहा कि निकल प्लस टू ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर प्लेटिनम प्लस फोर का मतलब बिल्कुल ये वही बात हो रही, प्लस फोर के अंदर प्लेटिनम ज्यादा स्टेबल है, तो अपने बोथ करेक्ट, दोनों सही है, काफी अच्छी चीज है। K1O4 का आपको पूछा क्वेश्चन, K1O4 की स्ट्रक्चर है जैसे, बिल्कुल सर स्पिन पेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये सब सारे, बिल्कुल ये प्लस सेवन में आ गए, और प्लस सेवन में आते तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो हो गए। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो हो फिर भी आपको कह रहा है कलर्ड है, तो एक आंसर टिका दो उसका चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, तो ये कह रहा है कि इट इज वेरी डार्क, बिल्कुल डार्क पर्पल कलर का होता है, फिर ये कह रहा है आइसोमॉर्फस, तो बिल्कुल आप देख सकते हो इनकी जब स्ट्रक्चर देखनी हो ना तो K हटा दो MnO4 माइनस, इसको उठाओ ClO4 माइनस, हाइब्रिडाइजेशन देखो D3S हाइब्रिडाइजेशन देखें sp3 दोनों टेट्राहेड्रल हाइपोमॉर्फस हो गए। आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आपको ये नहीं कि सॉलिड स्टेट मेरे को चाहिए, इनमें देखना पड़ेगा कि पैकिंग कैसी हो रही है, आप सीधा सा केटाइन एनाइन अलग करो, पॉलीएटॉमिक एनाइन उनके पास होता है, हाइब्रिडाइजेशन देखो हाइब्रिडाइजेशन अगर उनका सेम है तो स्ट्रक्चर सेम होगी, तो आइसोमॉर्फस कई जगह इसमें ये D3S दिया और कई जगह sp3 भी मिलता सर, हाँ हालांकि इसमें D इन्वॉल्व होता है इसलिए अपन D3S करते हैं, लेकिन वो जैसे D3S अगर ऑप्शन में नहीं मिले तो भी आप जैसे NCERT के अकॉर्डिंग अपन स्ट्रक्चर के हिसाब से जाएं ना, हाँ तो आप sp3, हाँ टेट्राहेड्रल को देखते हुए sp3 बाकी आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिला तो वो उसमें D3S का ऑप्शन मिलेगा, तो अपना ये सर ये तो ये भी करेक्ट हो गया, फिर अपन ये गलत हो गया सर, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो डीडी ट्रांजिशन कहां से होगा, बिना अनपेड इलेक्ट्रॉन के बिना लिगेंड के डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, दोनों में से एक चीज हो तो भी नहीं, दोनों चाहिए, अगर लिगेंड है अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं तो ट्रांजिशन किसका होगा, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है लिगेंड है ही नहीं तो स्प्लिटिंग नहीं हुई, स्प्लिटिंग नहीं हुई तो एनर्जी सेल में गैप नहीं आएगा, गैप नहीं आएगा तो ट्रांजिशन किसमें होगा, तो डीडी ट्रांजिशन के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, हाँ और लिगेंड भी, तो बिल्कुल सर अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां से आइडेंटिफाई करना था, तो इसमें अपना थर्ड हो जाएगा, और इट इज फेयरली सोल्युबल इन वाटर, तो बिल्कुल ये आपका वाटर के अंदर है सोल्युबल है, अपन लाल दवा के रूप में इसको मिलाते हैं अपन बैक्टीरिया फ्री करने के लिए, बिल्कुल सर। नेक्स्ट नेक्स्ट अब देखो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन पूछ लिया, बिल्कुल सर कौन सा कलर है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, प्लस सिक्स अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो, प्लस सेवन अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो, यहां पे आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जब आप इसका कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो वहां पे देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन जहां पर है तो फिर जगह नहीं है स्प्लिटिंग डीडी ट्रांजिशन के लिए, तो ये भी जब कलर बनेगा ना तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से ही बनेगा, ब्राउन ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स है, जी जी बिल्कुल सर, इसके अंदर जो ये प्लस हो गया ये माइनस टू ये प्लस वन में होता है Fe प्लस, तो Fe प्लस वन में होता है तो इसके पास 3d6 होता है, तो 3d6 होने की वजह से अपन देखा जाए तो NO इसको स्प्लिट करवा देगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो T2G में सारे पेयर्ड हो जाएंगे, क्योंकि सिक्स क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाता है तो कोऑर्डिनेशन में मैंने कहा था कि सेवन इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा किसमें EG में, बाकी सारे T2G में, तो T2G में 3d6 सब पेयर्ड हो गए, अब भी इसको कलर है तो वो ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा नहीं हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो गए सारे हो गए, तो चार ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से यहां सारे कलर, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन होकर के भी चार्ज ट्रांसफर, वो अनपेड यहां दिख रहा है लेकिन जब आप इसका कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो
तो वहां अनपेड जीरो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो ये सारी चीजें अपने कोऑर्डिनेशन में बातें कर चुके हैं। आप सिंपल सी जाना देखना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो ये अच्छा इलेक्ट्रॉन टी टू जी में ही चले जाएंगे, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो जाएगा। यहां से मत देख लेना, अगर सारे वीक फील्ड होते, सारे वीक फील्ड होते तो फ्री मेटल के पास जितना अनपेड उतना कॉम्प्लेक्स के पास अनपेड। नेक्स्ट लिगेंड भी देखना पड़ेगा, लिगेंड देखना। मोर लवण फेल्स अमोनियम सल्फेट होता है, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। ये तो 12th क्लास में इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया है, प्रैक्टिकल में इनके होता है। तो फेरस अमोनियम सल्फेट ये होता है FeSO4, ये अमोनियम सल्फेट होता है और इसके साथ 6H2, और ये डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। ये आयनिक फॉर्म में जाता है, +2 आयन का टेस्ट भी देगा, SO4 -2 का टेस्ट भी देगा और अमोनियम आयन का टेस्ट भी देगा, डबल सॉल्ट के एग्जांपल। जी जी, नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट, क्षारीय माध्यम में कैमेलो पोर तुल्य की बार। अब ये कैमेलो पोर इस तरह का रिएजेंट होता है जिसका अलग अलग मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। एसिडिक में जब भी ये होता है ना, तो MnO4 माइनस जब भी एसिडिक मीडियम दिया जाता है तो ये मैग्नीज +2 में आता है, तो ऐसे में एन फैक्टर इसका आ जाता है 5। एसिडिक मीडियम पार्ट कितनी ऑक्सीडेशन स्टेज में चेंज हुआ, ये इसका एन फैक्टर है, तो ये +7 से +2 में गया तो 5 का चेंज हो गया, तो इसका दो इक्विवेलेंट वेट होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5 होगा। फिर दूसरा अपन बात करें +7 से, ये बेसिक, अगर बेसिक मीडियम इसको दे दिया तो ये मैग्नीज +4 में चला जाएगा, MnO2 बनता है, इसको वीक बेसिक मीडियम या कई बार इसको न्यूट्रल भी बोल देता है, और वहां पर एक का चेंज आ जाता है। तो यहाँ कितने का चेंजेस है इसमें, यहाँ पर 3 का, तो मोलिकुलर वेट अपॉन 3। तो बेसिक मीडियम की बात की थी ये, फिर कई बार स्ट्रॉन्ग बेसिक की बात ये कर लेता है, तो ऐसे में ये अपना चला जाता है एक का चेंजेस मैग्नीज +6 में, तो यहाँ पर एक का चेंज आ जाता है, ऐसे में वैलेंस फैक्टर 1 होगा, तो जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वही उसका इक्विवेलेंट वेट बन जाएगा। तो अपना तो आंसर यहाँ पे बेसिक की थी, ये तीनों रिएक्शन बड़ी वेल पॉपुलर है। हाँ, वैसे बेसिक मीडियम ही लिखता है तो इसका मतलब भी बेसिक मीडियम की ये बातें कर। नेक्स्ट, प्रथम द्वितीय की तुलना में अधिक अम्लीय नहीं है, बिल्कुल सर ये अपन बात कर चुके, लोअर ये हायर में है तो एसिडिक है, लोअर वाले बेसिक होते हैं, बीच वाले एम्फोटेरिक होते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल है, सही है। एक मिनट, द्वितीय की तुलना में द्वितीय अधिक अम्लीय है, अम्लीय नहीं है, नहीं पूछा तो ये तो है, पहला तो है, तो ये बात है सही है, ये बात तो सही है। यहाँ पे देखे +4 मतलब ये बेसिक है, हालांकि +4 वाले एम्फोटेरिक होते हैं लेकिन क्रोमियम में बेसिक होता है, और क्रोमियम में ये +6 है, ये एसिडिक हो गया, आपका कैसा हो गया एसिडिक हो गया, मैं शायद उल्टा बोल गया सर, क्रोमियम +4 वाला, ये याद रखना क्रोमियम +2 ये तो होता है, और क्रोमियम +1 भी दे देता है क्योंकि इसके एनएस में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये तो होते हैं बेसिक। क्रोमियम +3 एम्फोटेरिक, क्रोमियम +4 से नीचे जाते हैं वो एसिडिक हो जाते हैं, बाकी +4 वाले हमेशा एम्फो मिलते हैं इसमें, तो ये एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, लेकिन इसकी ज्यादा है तो ये ज्यादा एसिडिक है, तो अपन ने यही कहा कि पहले वाला दूसरे से ज्यादा एसिडिक नहीं है, बिल्कुल यहाँ ज्यादा एसिडिक नहीं है, तो एक तो अपना आंसर होगा ये। फिर इसमें बात करें, ये +2 में है, मतलब बेसिक है, और ये एम्फोटेरिक भी नहीं बोल सकते इसको, मिक्स्ड ऑक्साइड, ये अपना MnO2 जैसे कि MnO2 बोल चुके थे एम्फोटेरिक की ओर, 2.6 कर दो, हाँ, तो ऐसे में इससे तो ज्यादा ही एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेज मिलेगी, तो ये एसिडिक ज्यादा है, तो पहले वाला दूसरे से ज्यादा एसिडिक नहीं है, तो ऐसे में आंसर आ जाएगा बोथ सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट, Fe+3 आयन कौन सा देगा, अभी जो कॉम्प्लेक्स में होते हैं वो तो देंगे नहीं, वो तो देंगे नहीं, जैसे ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, हाँ, इसके पास +3 आयन है लेकिन कॉम्प्लेक्स में आयनाइजेशन हमेशा आयनाइजेशन स्फीयर का, ये भी कॉम्प्लेक्स में, हाँ, और यहां से अगर ये इसको दिलाते भी तो ये अपना +4 होता, लेकिन ये देता भी नहीं, और इसमें देखो इसमें एक +3 आ रहा है, हाँ, ये मोर साल्ट है लेकिन +2 का देगा, अभी अपन ने बात नहीं की, पूछा ये फेरिक सल्फेट, ये नॉर्मल सॉल्ट है, और ये आयनों का टेस्ट देगा, K2Cr2 का आपको एसिडिक दर का सॉल्यूशन और FeSO4 के साथ मिलाने पर क्या पूछ रहा है,
ये बिल्कुल काफी फेमस क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट के पास आएंगे क्रोमियम तो प्लस थ्री के ग्रीन में चला जाएगा और मैग्नीशियम पर्पल से प्लस टू के कलरलेस या आप लाइट पिंक कलर में वो चला जाता है। तो ये अपने जो टाइटेशन होती है पोटेशियम डाइक्रोमेट कैम्फोटाइटेशन बिल्कुल साइडोमेट्रिक टाइटेशन उसी का क्वेश्चन, ये प्लस सिक्स है ये तो चला जाएगा क्रोमियम प्लस थ्री में, थ्री में, और यहाँ पे करेगा किसका Fe प्लस टू में ये चला जाएगा Fe प्लस थ्री। अगर फेरस सल्फाइट होता तो ये SO3 माइनस टू चला जाता है SO4 माइनस टू में दोनों का ऑक्सीडेशन करता, लेकिन यहाँ तो सल्फेट दे रखा है तो इसका तो होगा नहीं, SO4 का होगा नहीं खाली फेरस का हो, तो अपन आ जाते हैं तो ये आ गया सर अपना पहला ही आ गया उसका कारण क्या है। बिल्कुल ये आपकी ओजोन डिप्लेशन होगा, स्ट्रेटोस्फेरल पोल्यूशन भी जिसको कहा जाता है, ये CFCs की वजह से होता है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन कंपाउंड है जिसको फ्रियोन भी नाम दिया जाता है, जो एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर से निकलती है। ये एक्चुअली क्या होता है, जो आपकी जैसे मान लो CF2Cl2 होती है, ठीक है, ये अपनी क्या होती है डीकम्पोज होकर के क्लोरीन फ्री रेडिकल देती है सनलाइट के प्रेजेंस में, और ये ओजोन के साथ रिएक्शन करके क्या करेगी O2 और ClO बना लेगी। एक्चुअली ओजोन क्या करती है O3 और नेसेंट ऑक्सीजन में टूटती रहती है, ये वापस से इसमें आ जाते हैं, लेकिन ये तो कंज्यूम हो चुकी है इसके साथ, और कंज्यूम हो गई तो अब ये वापस से ओजोन नहीं बनेगा, ऐसे धीरे धीरे ओजोन में क्या होता जा रहा है होल होता जा रहा है, ये ओजोन डिप्लेशन है और उसका कारण सीएफसी है। फिर कई बार पूछ लेता है समर में ज्यादा होगा या विंटर में, तो समर में तो क्या होता है सर, ये नाइट्रेट ये है ना ये इसके साथ है NO2 क्या करती है ClO के साथ बाइंडिंग हो जाती है और इसको क्लोरीन नाइट्रेट में या क्लोरीन नाइट्रेट के रूप में इससे जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है इसको एज ए सिंक स्टोर कर लेती है, तो ऐसे में ये डिप्लेशन का काम नहीं कर पाती, तो समर में ये आपका ओजोन का डिप्लेशन देखने को नहीं मिलता, लेकिन विंटर जैसे ही आती है वहां पर आपका ऐसा नहीं बन पाता है, इस वजह से टेम्परेचर भी चाहिए। हाँ तो अब ओजोन जो होते हैं ना, ओजोन का काम क्या था, यूवी रेज जो आती है इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, हाँ। तो वो होल बन जाएगा तो यूवी रेज डायरेक्ट अर्थ पैनल लग जाएगी। हाँ तो जनरली सर अपन पता क्या सोचते हैं कि हाँ समर है गर्मी है वहां डिप्लेशन ज्यादा, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे उल्टा होता है, विंटर के अंदर डिप्लेशन ज्यादा होने वाला। अब फ्रियोन रेफ्रिजरेटर ऐसी अपन गर्मियों में खूब अच्छे खासे काम में ले लिए, अब वो एनवायरमेंट में जा चुकी है क्लोरो फ्लोरो, लेकिन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल ये वहां पे स्टोर हो चुकी है क्लोरीन सिंक के तौर पर, तो समर में तो यूज नहीं हुई, लेकिन जैसे विंटर आएगा ना इनके बॉन्ड ब्रेक होंगे और यहां से क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा और वो अब धीरे धीरे काम डिप्लेशन का शुरू कर देगा, तो ये काम विंटर में ज्यादा होता है। तो ये ओजोन होल जो बन रहा है उसका कारण हाँ ये सीएफसी है और जो विंटर के अंदर में अब इस समय ये इसी काम में लगी है क्लोरो फ्लोरो कार्बन, और आपकी अब सर लॉकडाउन में काफी फायदा हुई है वापस ओजोन होल वापस, हाँ क्योंकि इनको कम यूज किया है पोल्यूशन वगैरह को, तो इस वजह से पोल्यूशन कम हो गया तो ओजोन होल जो है वो वापस भरने लग गए। हाँ ये भी फायदा ही हुआ। बिल्कुल सर, मैं तो ये कहता हूँ कि साल में एक मतलब हर बार लॉकडाउन कर दे। कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट है? देखो पोल्यूटेंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइमरी पोल्यूटेंट एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट, मतलब जो गैसेज पोल्यूशन का रीजन बनती है डायरेक्ट एनवायरमेंट जैसे SO2 NO2 ओजोन ये सीधे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, जैसे हाइड्रोकार्बन ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है, और ये प्राइमरी पोल्यूटेंट आपस में रिएक्टेंट करके जो कंपाउंड बनाती है और वो एज ए पोल्यूटेंट काम में आते हैं तो वो सेकेंडरी है, जैसे कि PAM ये डस्ट पार्टिकल सही है तो डायरेक्ट सीधे मिल रहे हैं, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है, जैसे SO2 प्राइमरी पोल्यूटेंट है, NO2 प्राइमरी पोल्यूटेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 ये प्राइमरी है, लेकिन जैसे CH4 ये प्राइमरी है, लेकिन CH4 का मान लो कंबसन करवा दिए फिर कोई कंपाउंड बनता है जैसे फॉर्मेल्डिहाइड बना दिया मान लो, तो वो अब क्या बना है प्राइमरी पोल्यूटेंट के आपस में रिएक्शन से बन रहा है। कहने का मतलब है सर ये बोला जाता है कि जैसे जो डायरेक्ट बन रहे हैं हाँ, वो तो प्राइमरी है, हाँ, और प्राइमरी मिलके दोबारा के जो बने बना है वो सेकेंडरी, और सबसे बड़ी बात क्या है जो सेकेंडरी है ना ज्यादा हार्मफुल है प्राइमरी से,
तो ये ज्यादा हार्मफुल है, जैसे परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट है ये। हाँ, तो ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर के एथर को जुड़ा जाके ये मेनली बनता है फोटोकेमिकल स्मोक में। राइट, फोटोकेमिकल जो स्मोक होता है, नाम से पता चल गया फोटो, फोटोकेमिकल स्मोक। ये सबसे पहले अपने देखा गया था इसमें लॉस एंजलिस में, इसको लॉस एंजलिस स्मोक भी कहा जाता है। स्मोक का मतलब होता है स्मोक प्लस फोग, या फिर स्मोक प्लस वाटर वेपर भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो इसमें ये पीएन होता है एक तो, और फोटो मतलब टेम्परेचर चाहिए, ड्राई कंडीशन चाहिए, इसलिए दोपहर के टाइम बनता है। एक होता है क्लासिकल स्मोक, क्लासिकल स्मोक के अंदर मेनली SO2 होती है, फोटोकेमिकल स्मोक में NO2 होता है, ओजोन होती है। तो क्लासिकल में SO2 होती है, कई बार कभी कभी सल्फ्यूरस एसिड भी आ जाता है, इसलिए इसको जो क्लासिकल स्मोक होता है इसको सल्फ्यूरस स्मोक भी अपन बोल देते हैं। तो ये SO2 है, H2O से मिलेगा, H2SO3 बनाएगा, ये कब होगा, जब मॉइस्चर होगी, मॉइस्चर होगी। और मॉइस्चर कब मिलती है, सुबह के टाइम। तो जो क्लासिकल स्मोक होता है वो सुबह के टाइम में बनता है, सबसे पहले एसिडिक रेन भी होने लगती है। हाँ, तो सबसे पहले ये सुबह के टाइम में बनता है। तो कई बार पूछ लेते कि क्लासिकल स्मोक कब बनता है, तो इन मॉर्निंग आवर्स। और अपना फोटोकेमिकल ये कब बनता है, इन नून, दोपहर के आसपास बनेगा, ड्राई कंडीशन चाहिए। और इसको जो क्लासिकल है उसको हमिड मोस्ट कंडीशन चाहिए, इसको ड्राई कंडीशन, हां इसको हमिड क्लाइमेट चाहिए। और दूसरी चीज जो अपना क्लासिकल स्मोक होता है, ये सबसे पहले लंदन में देखा गया था, लंदन। हां, तो इसको लंदन स्मोक भी अपन स्मोक भी बोलते हैं। जी सर, तो खैर अपने तो बात यहाँ करनी थी, लेकिन काफी बातें अपन ने इनसे डिस्कस की है, पोल्यूशन के बारे में जहाँ करके नॉर्मली कोई डिस्कस करता नहीं है, बाकी क्वेश्चन यहाँ से अच्छे खासे बनने लगे हैं। वैसे बायो के पीछे जरूर वो उसका स्मोक का पढ़ते हैं। हाँ, तो केमिकल स्मोक और ये इनके बॉटनी में भी आता है। हाँ, वहाँ ये पढ़ना, बिल्कुल सर, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। लैक्सेटिव इफेक्ट पूछ रहा है, लैक्सेटिव इफेक्ट की अगर यहाँ पे बात करें तो ये सल्फेट की वजह से होता है। देखो, ड्रिंकिंग वाटर होता है ना, उसमें पर्टिकुलर एक फिक्स क्वांटिटी होती है, ये मान के चलो, किनकी, मिनरल्स की। आप में से एक, एक हिंदी में मैंने मुहावरा पढ़ा है, सबने पढ़े होंगे कि अति सरलता वर्जित है, मतलब कि कोई चीज ठीक है तब तक ठीक है, जितना अपने को चाहिए उस अमाउंट में है तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी तो वो अपने यूजफुल होकर के भी अपने ड्रॉबैक बन जाएगी। तो वैसे ही सल्फेट अगर सर 500 ppm तक है, पार्ट्स पर मिलियन तक, तो अपने लिए बहुत यूजफुल है, लेकिन अगर इससे क्वांटिटी ऊपर बढ़ गई तो ऐसे में ये लैक्सेटिव इफेक्ट देता है, जिससे लूज मोशन टाइप के। लैक्सेटिव आपको पता है कि भी किस में देते हैं, कि जैसे जो इनको कब्जी वगैरह हो जाती है। हाँ, बिल्कुल सर, डॉक्टर लैक्सेटिव लिखते हैं मेडिसिन। हाँ, तो लैक्सेटिव ये सल्फेट क्या काम करता है, लैक्सेटिव का। हाँ, उसमें सल्फेट की कंसंट्रेशन 500 ppm से ऊपर, लेकिन पानी में पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, जैसे अभी सर ने बोला कि ये जो एलिमेंट होते हैं ना, इनकी पर्टिकुलर एक कंसंट्रेशन वाटर में होती है। हाँ, ज्यादा हो तो डिजीज, कम हो तो डिजीज। बिल्कुल सर, जैसे फ्लोराइड है, फ्लोराइड का देखो दांतों में बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रोएपेटाइट, अपने जो दांतों का जो इनेमल होता है बाहर वाला टीथ का, वो हाइड्रोएपेटाइट का बना होता है। तो कैल्शियमएपेटाइट के क्रिस्टल होते हैं इसमें, तो इसमें ये हो गया हाइड्रोएपेटाइट CO4 2.CaOH2, ये होता है सर हाइड्रोएपेटाइट, हार्ड होता है, लेकिन जैसे इसको फ्लोराइड मिलेगा तो ये बदल जाएगा फ्लोरोएपेटाइट में, और ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट से मर्च हार्डर होता है, ज्यादा हार्ड होता है, दांतों को मजबूती मिलेगी, लेकिन कब तक है, जब फ्लोराइड की कंसंट्रेशन 1 ppm है, 1 ppm, अगर सर इससे बढ़ा करके 2 ppm या उससे ज्यादा कर दी तो दांतों पर ब्राउन स्पॉटिंग शुरू हो जाती है, और अगर 10 ppm तक ले गए तो यहाँ तक जो बोन्स होते हैं, बोन्स या दांत होते हैं, इनका कोरोजन शुरू होता है, जैसे हाथ के क्योंकि कुबड़ा वगैरह वो निकल आते हैं, वो सब इसी के देन है। जैसे ना फ्लोराइड को हम कहते हैं कि डबल धार की तलवार है। हाँ, डबल धार का मतलब 1 ppm से कम होगा ना तो दांतों में कैविटी बन जाएगी, डेंटल केरीज बोलते हैं। 1 ppm रहेगा दांतों को मजबूती दे देगा। दो आते ब्राउन स्पॉट शुरू, तीन आते तो 10 आते तो धीरे-धीरे पहले पीले होने चालू हो जाएंगे, और फिर धीरे-धीरे ब्लड में और ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो ब्लड वेसल पे जाके डिपॉजिट होने चल जाएगा, आर्थराइटिस वगैरह, जो आर्टरी स्क्लेरोसिस जो है डिजीज वगैरह होने चालू हो जाएगा। तो ये मेनली जो बीपी बढ़ने लग जाते, बिल्कुल जो पहाड़ी इलाका होता है उसमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब सर बोल रहे हैं कि आयनों का जो एक कंसंट्रेशन याद ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ये जैसे एंशिएंट में डेटा भी दे रखे हैं, जैसे नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट की 50 ppm तक तो ठीक है, ये तो चाहिए अपने को 50 ppm तक पार्ट्स पर मिलियन, लेकिन अगर इससे ज्यादा हो गए फिर ही साइड इफेक्ट आएंगे इसके। तो जो होता है ना अपना ब्लू बेबी सिंड्रोम, वो हो जाती है जिसको मिथनोग्लोबिनेमिया, एक ग्लोबिनेमिया हो जाता है, वो हो जाता है। लेड की ऐसे ही, लेड की भी 50 होती है, लेकिन वो ppm 40 होती है, ppm ना होकर वो ppb होती है, पार्ट्स पर मिलियन होती है, लेड पॉइजनिंग। हां, ppb।
तो ये इतने ppb तक ठीक है। जैसे कॉपर की बात करें 3 ppm तक ठीक है। ऐसे हर की है, आप एक टेबल बना रखी है एनसीईआरटी में, आप देखो उससे ज्यादा अगर वो होता है उतना तो चाहिए। स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग वाटर की पहले जैसे सर पानी में फ्लोराइड नहीं होता था तो अपने शरीर में फ्लोराइड की कमी होती थी, तो शुरू में टूथपेस्ट आते थे कि फ्लोराइड होता कि, और अब पानी में इतना फ्लोराइड आ गया, अब ये करे कि टूथपेस्ट में फ्लोराइड नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता चला कि मजबूती दे रहे हैं कि कमजोरी। सही, ये तो क्या जैसे हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है जी, किसी में कमी है तो डॉक्टर का फ्लोराइड वाला पेस्ट करो, जिसमें दांतों में कीड़े लग रहे हैं कैरीज हो रही है, डेंटल कैरीज हो रही है, बिल्कुल। और किसी के दांत पीले पड़ रहे हैं तो उसमें फिर डी फ्लोरेटिंग एजेंट दे देते हैं, बिल्कुल सर। तो ये सब अपने तो अपना इसमें सर तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चले सर, नेक्स्ट हरित ग्रह गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस। बिल्कुल, देखो क्या होती है, कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो देखो सन से लाइट आई लेकिन 25% अब जो होती है 75 तो चली गई, अगर पूरी अब जो कर ली तो सब कुछ जल जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो कुछ गैसें होती हैं जो इस लाइट को अब्जॉर्व करती हैं और टेम्परेचर बढ़ाती है, ठीक है। तो वो कौन सी है, जैसे CO2 हो गई, CH4 हो गई, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, ओजोन हो गई, NO2 हो गई, वाटर वेपर हो गया, ये अपने क्या है ग्रीन हाउस गैसेस है, इनकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन जैसे पोल्यूशन हो गया और इन गैसेस की क्वांटिटी बढ़ गई तो ये हीट अब्जॉर्ब करती है, ज्यादा हीट अब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएगी, ऐसे में ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो जाएगी। ग्लोबल तो जो ग्रीन हाउस, देखो ग्रीन हाउस अपने लिए जरूरी है, प्लांटेशन बिना ग्रीन हाउस के पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर वही चीज मैंने पहले कहा क्वांटिटी से ज्यादा हो गई तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण हो गई। लेकिन मैंने जितने भी लिए उनमें से ऑक्सीजन का नाम नहीं दिया, कोई हीट को ही अब्सॉर्ब नहीं करता है तो अपना। नेक्स्ट सर, ये सर अपन बात कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। क्लासिकल स्मोक में SO2 होता है, फोटोकेमिकल स्मोक में NO2 और ओजोन होती है, फिर बनता PAN है, एक्रिलोनाइट्राइल इसमें परोक्सीएसिटिल नाइट्राइड है, या एक्रोलीन भी इसमें बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड भी इसमें बनता है। ग्रीन हाउस गैस बिल्कुल मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, और ओजोन आपका O2 नहीं O3 होता है, तो अपना थर्ड आंसर होता है ग्रीन हाउस गैस। यहां से मिलान सही है, हां करेक्ट मैच, थर्ड मिलान पूछा सही, बिल्कुल ठीक है। तो ये देखिए हमारे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को भी हमने कवर किया और बाकी बहुत सारी चीजें इसमें याद करने वाली है। एनवायरमेंटल में जहां से क्वेश्चन पूछते हैं ना वो सारी चीज अपन ने ले ली, और इसके इर्द गिर्द ही आपको पढ़ना है। सिर्फ एक चीज है जो कवर नहीं कर पाया मैं, ध्यान में नहीं रहा, उसमें निकल गया एसिड रेन से। तो एक्चुअली देखो एनवायरमेंट में थोड़ा कर ही लेते हैं डिस्कस, एनवायरमेंट में CO2 है, वेपर भी है, तो ये आपस में रिएक्शन करें H2CO3 बना लेंगे, लेकिन ये वीक एसिड है तो पीएच पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये नॉर्मल रेंज होती रहेगी। लेकिन अगर मान लो पोल्यूशन बढ़ गया, NO2 बढ़ गई, SO2 बढ़ गई, तो NO2 तो HNO3 बना लेगा, SO2 H2SO4 बना लेगा, और दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे जो रेन वाटर उसकी पीएच 5.5 से कम हो जाती है, दैट इज एसिड रेन, यही आपकी एसिड रेन है, मतलब 5.5 से कम रहती है, 5.5 से कम होती है, जिससे क्या होगा कोरोजन शुरू हो जाएगा, जैसे ताजमहल है इसकी SO2 की वजह से उसकी रस्टिंग हो चुकी है, धीरे धीरे वो कलर वगैरह येलो भी हो रहा है, येलो कलर का हो रहा है। खैर ये एसिड रेन, एसिड रेन जो है वैसे तो आप पढ़ते भी और अब बात भी कर ली अपन ने जी, और आप एक बार NCERT में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और अच्छे से पढ़े। वैसे मैं आपको बताऊं ब्लॉक केमिस्ट्री जितनी भी है, डी ब्लॉक है, ब्लॉक बिल्कुल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसको आप NCERT से लाइन टू लाइन पढ़े, और क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे NCERT से आ रहे हैं, और बाकी आपको टाइम होता है इसका भी पढ़ो, कोई मना नहीं है, बिल्कुल। हमने देखो 30-30 क्वेश्चन जैसे लिए हैं तो उसमें क्या आपकी इनऑर्गेनिक पूरी पूरी रिवाइज हो जाती है, बिल्कुल। और ये क्वेश्चन आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हो तो आपको बहुत फायदा इस चीज का हुआ है, और आप इसको देखते रहिए और आप फायदा उठाते रहिए प्रॉपर। हमने जितने भी आप देखना जो भी कंसेप्टिव मैटर हमने लिया है वो सारा का सारा NCERT से लिया है, कोई अलग से क्वेश्चन प्रेपिंग नहीं किया, NCERT लेके अभी अपन कोशिश ये हमने की 99% NCERT को कवर करें, और कुछ कोई एक्स्ट्रा पॉइंट हमारे को कांसेप्ट बेस्ट बढ़िया मिले, बिल्कुल सर वही बताए हैं। सबसे बेस्ट चीज जैसे बायो हो गया या फिर अपने इनऑर्गेनिक होगी, ऑर्गेनिक होगी, ये चीजें तो ऐसी हैं कि आप NCERT की लाइन टू लाइन हो जाओ, जैसे छोटे क्लासों में पढ़ते थे कि कहते थे कि बेटा लाइन टू लाइन रट ले, वो काम है भाई लाइन टू लाइन हो जाओ बस। ये आपको तो इनऑर्गेनिक में ही ध्यान रखना है, गुरु मंत्र और गुरु नीति यही हमारी लास्ट जी भी। आप NCERT को प्रॉपर लाइन टू लाइन पढ़े, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका क्वेश्चन गलत नहीं, आप 10 साल के पुराने पेपर उठा के देखो तो आपको इनऑर्गेनिक में लाइन टू लाइन मिल जाएगा, NCERT से आएगी। ओके स्टूडेंट, तो बिल्कुल सर आज अपना काम बहुत अच्छा रहा, लास्ट पे अब मिलते हैं फिर नई कोई चीज लेके आएंगे एक दिन।
कोई नए क्वेश्चन साथ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।